इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को दी कड़ी शिकस्त, बेहतर प्रदर्शन कर पाई सफलता। T20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड को झटका लगा है। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में अफगानिस्तान ने 84 रनों से न्यूजीलैंड को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की। बता दें कि न्यूजीलैंड की कप्तानी केन विलियमसन कर रही थी। अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया था और अब T20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड को हराकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया था, इसलिए यह मैच किसी उलटफेर से कम नहीं है। बता दें कि पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने 159 रन बनाए। सभी जानते हैं कि ICC इवेंट में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। पिछले T20 वर्ल्ड कप के साथ भी वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक पहुंची थी। यह भी बात चौंकाने वाली है कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड को अभी तक एक बार भी नहीं हरा पाई है। लेकिन अफगानिस्तान ने यह करके न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि सभी खिलाड़ियों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की यह जीत बहुत ही स्पेशल है और सोशल मीडिया पर छा गई है। मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने शुरुआत बहुत ही बेहतरीन की थी। सलामी बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान के बीच शतकीय साझेदारी हुई। हालांकि जदरान ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बल्लेबाजी के लिए मुश्किल विकेट पर वही टिके रहे थे। लेकिन कमाल की बात तो यह रही कि गुरबाज ने मैदान के हर कोने में गजब का शॉट खेला। उनके बल्ले से 56 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 80 रन निकले। वहीं जदरान ने 44 रन बनाए। बताते चले कि आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिरे और टीम 6 विकेट पर 159 रन का लक्ष्य प्राप्त कर पाई और न्यूजीलैंड को अपने बेहतर प्रदर्शन से कड़ी शिकस्त दे पाई।